यहाँ पे जापान में बहुत छोटे छोटे से बिस्किट मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अभी मैं पता है बाल कटवाने जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने बाल नहीं कटवाए अपने, एक साल से ऊपर हो गया। और यहाँ पे ना मेरे घर के पास ही एक बहुत मस्त सा सैलून है, वहाँ पे ना बहुत अच्छे बाल काटते हैं वो लोग। एकदम ऐसे वो ऐसे कैंची चलाता है कहीं पे भी और एकदम सही कट जाता है। पिछली बार पता है मैंने उसको एक फ़ोटो दिखाई थी और उसके हिसाब से उसने डिट्टो वैसे बाल काट दिए थे। मैं अभी अटैच कर दूँगी यहाँ पे वो उस टाइम मैंने अपने बाल कैसे कटवाए थे। लेकिन अभी मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए, मुझे थोड़े लंबे ही रखने हैं बाल, तो अभी के लिए भी मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड करी है। वैसे चाहिए थोड़ा जापानी स्टाइल में बाल कटवाने हैं, इसलिए जापान से ही कटवा रही हूँ। चलो चलते हैं फिर। ये जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे भी काफ़ी ठंड होती है। यहाँ पे भी मिनिमम -5 तक जाता है टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे ना स्नोफॉल नहीं होती उतनी। मतलब साल में बस 3 बार होती है स्नोफॉल, मतलब मैक्सिमम अभी तक मैंने इतनी देखी है कि साल में 3 बार हुई है स्नोफॉल। वैसे यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकलती है, अभी भी देखो कितनी धूप निकली हुई है। ये आ गया वो सैलून, चलो चलते हैं। कटवाई मैं अपने बाल, देखो कितने शाइन भी कर रहे हैं ना। कैसे लग रहे हैं बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। लग रही हूँ जापानी थोड़ी थी। लग रहा है ना जापान में हेयर कट करवाया है। वैसे हर समय ना जब भी मैं हेयर कट करवाती हूँ ना तो एकदम ही अलग करवा लेती हूँ, जैसे बहुत लंबे हो तो छोटे से करवा लूँ ताकि एकदम साफ साफ पता चले कि भाई बाल कटवाए हैं। लेकिन इस बार उतने ज़्यादा मैंने छोटे करवाए नहीं, क्योंकि यार ज़्यादा छोटे उतने अच्छे नहीं लगते, थोड़े ट्रेडिशनल वगैरह में, इसलिए। यहाँ पे देखो और ज़्यादा धूप पड़ रही है, एकदम मस्त लग रहे हैं ना मेरे बाल। और मैं भी वैसे यहाँ पे रेट थोड़ा महंगा ही है इंडिया से, तो मतलब काफ़ी महंगा है। मतलब ये तो पता है ये वाला जो था ना सैलून या हेयर लेबोरेटरी जैसे लिखा हुआ था वहाँ पे, वो मेरे एकदम घर के पास ही है। मतलब ऐसे ही जैसे जहाँ पे घर वर है ना उधर ही पास ही में है, लेकिन वो इसी का मतलब इतना ज़्यादा रेट है। मतलब 4000 येन रेट है, तो वो अराउंड 2500 रुपये होता है, तो काफ़ी महंगा है। लेकिन ठीक है, एक साल बाद कटवाए बाल तो दे सकते हैं इतना, नहीं अब रिग्रेट क्या करना। इस टाइम सब बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, देखो कितने सारे बच्चे आ रहे लाइन से। अभी मैं थोड़ा सामान वामान लेने जा रही हूँ, ऊपर मैंने एक स्वेटर भी पहन लिया क्योंकि अभी ठंड हो जाएगी थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा। बस अभी साइकिल पे जाऊँगी, मैंने बैग भी ले लिया अपना पीछे,
क्योंकि सामान फिर बैग में डाल के ले आऊंगी और ये साइकिल इस पे जा रही हूँ। चलो अभी मैं 8 किलोमीटर दूर जा रही हूँ हार्ड ऑफ पे, वो सेकेंड हैंड स्टोर जो मैंने दिखाया था अपनी पहले की वीडियोस में, वहाँ से मुझे फिगरीन्स लेनी है। यहाँ पे आपको जो फिगरीन चाहिए वो आपको मिल ही जाएगी, इनके पास ऑलमोस्ट सारी रहती है। ये दोनों और ये मैंने खरीद लिया है, देखूँ फिगरीन्स तो मैंने खरीद ली, अब मुझे थोड़ा सामान लेना है तो मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। यहाँ पे देखो लाइट्स कंपलसरी होती है साइकिल्स पे, सामने भी और पीछे भी होनी चाहिए, पीछे भी लगाई हुई है मैंने। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ सामान वामान लेने। ये देखो पीछे शॉप है, मेरे हाथ एकदम सुन्न हुए हुए हैं, आज मैं ग्लव्स पहनना भूल गई। चलो लेकिन अभी चलते हैं अंदर, सामान वामान लेना है थोड़ा। एक ये मॉइस्चराइज़र लेना है मुझे, ये तो टेस्टर है, ये वाला ले लेती हूँ। एक ये क्यूरेल का भी मॉइस्चराइज़र ले लेती हूँ और एक ये बॉडी वॉश भी। जहाँ पे भी शीशा दिख रहा है ना, वहाँ पे अपने बाल देख के बहुत मस्त लग रहा है, आज नए नए बाल कटवाए ना इसलिए। ये देखो सारे चिप्स जापान में जो मिलते हैं, इनमें से मुझे जो जो पसंद है सब ले लेती हूँ, एक एक पैकेट एटलीस्ट। ये मुझे बहुत पसंद है, ये इंडिया के लेज जैसे ही होता है, क्रीम एंड अनियन वाला। और ये भी एक मुझे बहुत पसंद है, मसालेदार होता है ये, तो ये भी ले लेती हूँ। एक ये ना यहाँ पे जापान में बहुत छोटे छोटे से बिस्किट मिलते हैं, देखो इतना छोटा सा है, बहुत ही छोटा साइज है इस बिस्किट का, और ये काफ़ी सही होता है, मतलब टेस्ट तो नॉर्मल होता है लेकिन देखो इतने छोटे छोटे से हैं ये, देखो इतने छोटे छोटे से बिस्किट होते हैं। ये भी मस्त होता है ये वाला, और एक ये वाला भी मस्त होता है, तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। बस चलते हैं अब। एक ये ड्रिंक भी ले लेती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और ये मुझे बहुत मस्त लगती है ड्रिंक, पता है एकदम मस्त टेस्ट होता है इसका, ग्लूकोज जैसा ऐसे एनर्जी आ जाती है इसको पी के, अच्छा लगता है। ये ले लेती हूँ एक। ले लिया मैंने सारा सामान, अब बस मैं घर जा रही हूँ साइकिल पे, यही है साइकिल मेरी। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।